चले, पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी से, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तुमने इससे पहले अकाउंटिंग किस नेचर की पढ़ी है, किस लेवल की अकाउंटिंग पढ़ी है? मैंने एमबीए तक पढ़ी है अकाउंटिंग, लेकिन आईएएस आईएफएस नहीं था। हाँ, तो डेबिट क्रेडिट ये सारी चीजें पढ़ी हुई, एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह इसकी नॉलेज है। जी, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? क्या होता है जी बताएं। तीन चार मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है और डिमिनिशन बैलेंस मेथड है। क्यों निकालते हैं ये? यूजफुल लाइफ पे इसको स्ट्रेट करना होता है ना, कोई अपने एसेट परचेज किया फॉर एग्जांपल 10 साल की यूजफुल लाइफ है, तो या तो मंथली उसकी अमाउंट डेबिट करते रहते हैं या तो एनुअली करते रहेंगे। तो आपने जितना कंज्यूम कर लिया उतना वो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होता है। ठीक है, सही। फिक्स एसेट्स में हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स यूजुअली डेप्रिशिएट होते हैं, हर टेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता, लेकिन यूजुअली टेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट होते हैं। और जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं वो भी डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं अमोर्टाइजेशन। सही। तो ये जो आई एस 16 है ये डील करता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और उस टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, हर चीज़, हर वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जो हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, पीपीई इज और लैंड बिल्डिंग जो हमने बिजनेस में यूज करने के लिए एक्वायर किए या बनाया है, ठीक है, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ना वो आपको रूल्स बताते हैं, थ्योरेटिकल रूल्स कि आपको अकाउंटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैसे करनी है, ठीक है, जो डिटेल गाइडलाइंस उसके अंदर है। तो पहले तो हम एसेट्स के रूल्स पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर हम उसका डेप्रिसिएशन का प्रोसेस और आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। एसेट की डेफिनेशन पे अगर बात की जाए तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है एसेट की? कंपनी अपने यूज के लिए जो मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, तुम्हें याद करनी है। अब इसमें जो की एलिमेंट है वो क्या है? एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। यूजुअली हम एसेट उस चीज को कहते हैं जो कि ऑनरशिप में होती है, लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक चीज की ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है, रादर उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर ऑनरशिप किसी और के पास है लेकिन कंट्रोल मेरे पास है रिसोर्सेज के ऊपर, तो मैं एसेट अपने पास रिकॉर्ड करूंगा, जो ऑनरशिप वाला है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनरशिप के साथ कंट्रोल आ जाता है, लेकिन बाज दफा ऑनरशिप किसी और के पास होती है, कंट्रोल किसी और के पास होता है, तो हम ऑनरशिप नहीं देखेंगे, हम देखेंगे रिसोर्सेज। अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैं अपने पास उसे एसेट रिकॉर्ड करूँगा, और वो कंट्रोल के थ्रू जो एसेट हमारे पास कंट्रोल है वो किस वजह से आया होगा? किसी पास्ट इवेंट की वजह से आया होगा। अब वो पास्ट इवेंट क्या है? वो पास्ट इवेंट क्या है? एसेट का बनाना, एसेट का खरीदना या एसेट का लीज पे एक्वायर करना। फ्यूचर में कोई रिसोर्स हमारे पास आएगा, वैल्यूएबल होगा, वो एसेट नहीं हो सकता,
एसेट क्रिएट होता है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, और फ्यूचर में उससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेंगे, सही है, इस बात के चांसेस प्रोबेबल होने चाहिए। प्रोबेबल कहते हैं 50% से ज्यादा चांसेस, क्योंकि आप जो भी चीज खरीदें, लैंड खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, प्लांट खरीदें, हम एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर डाउट हो इकोनॉमिक बेनिफिट में तो फिर हम उसे एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कम अज कम चांसेस 50% से ज्यादा होने चाहिए, उसको कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में प्रोबेबल, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में यूसेज पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं। बाद जब आप बिजनेस बिल्डिंग एक्वायर करता है लेकिन उसका पर्पस यूज करना नहीं होता, कोई और पर्पस होता है, तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को स्पेसिफिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं यूज इन द प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके लिए हमने कोई एसेट एक्वायर किया, और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ये सब में एक बात कॉमन है कि बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हमने एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन लगा दी, अब मशीन हम यूज कर रहे हैं तो वो भी एसेट होगा। इसी तरह हमने ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक व्हीकल एक्वायर किया, व्हीकल भी एसेट होगा। एडमिन पर्पस के लिए एक हेड ऑफिस बिल्डिंग बनवा ली, हेड ऑफिस बिल्डिंग भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कंसीडर की जाएगी। अच्छा, रेंट आउट करने के लिए अगर वो नहीं आएगा? नहीं, उसके लिए एक सेपरेट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, सही है। तो हाँ, अगर वैसे रेंट पे दे दिया ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसी को फॉर द टाइमिंग, तो वो इस डेफिनेशन में आ जाता है, सही है। लेकिन स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली अगर बिजनेस ही रेंटल का है तो फिर वो इसके अंदर नहीं कवर होगा, उसका आईएस है आईएस 40 जो हम दूसरे तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यूजुअली वी नो दैट के एसेट्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करने का हमारे पास एक क्राइटेरिया है, इट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। किसी भी एसेट को बैलेंस शीट में कब रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए ये टेस्ट पास होना जरूरी है, विच इज कॉल्ड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ठीक है। दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक वो एसेट्स होते हैं जो हम खुद बनवा रहे होते हैं अपने लिए, जिनको हम कहते हैं परचेज्ड एसेट्स। जैसे हमने एक बिल्डिंग एक्वायर कर ली, बनी बनाई, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो वो बिल्डिंग खुद बनाती हैं अपने यूज के लिए, वो कहलाते हैं इंटरनली जनरेटेड आइटम। तो चाहे परचेज एसेट्स हों या इंटरनली जनरेटेड आइटम्स हों, अगर उन्हें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है तो वी हैव टू मीट अ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। और उस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। ये तो एसेट की डेफिनेशन का भी एक पार्ट है ना, तो एसेट की डेफिनेशन से ये क्राइटेरिया मीट हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चांसेस। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एसेट हम हमारे पास है उसकी ऊपर हमने जो भी खर्चा किया उसको हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर रिलायबल मेजरमेंट इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अपनी मर्जी से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो भी चीज जो भी फैक्ट है वो फैक्ट प्रॉपर वे में रिकॉर्ड होना चाहिए। एसेट्स को यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू ओवरस्टेट, तो वो ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा। अभी जो रिलायबल मेजरमेंट है, ये रिलायबल मेजरमेंट परचेज के केस में तो बहुत इजीली हो जाती है कि अगर आपने एक बिल्डिंग एक्वायर की है तो आपने उसकी प्राइस पे की भी होगी, एविडेंस होगा आपके पास। लेकिन यही रिलायबल मेजरमेंट अगर कंपनी खुद से कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें डाउट ज्यादा होता है,
डाउट ये होगा कि आप कहेंगे जी मटेरियल लगा 1 लाख का, आप कहेंगे 2 लाख का बुक कर लो, तो एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली ओवर स्टेट हो जाएगी। तो ऑडिटर ये क्वेश्चन करता है कि जी आपने जो बुक किया है एसेट, उसकी वैल्यू रिलायबली मेजर हो रही है, उसका एविडेंस दें। अगर हम उसका एविडेंस दे देते हैं, ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है, तो दैट मीन्स एसेट पहली मर्तबा बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब रिकॉर्ड करने जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी एंट्री पास होगी, और एंट्री पास करने के लिए अमाउंट चाहिए। तो पहली मर्तबा रिकॉर्ड करने के लिए आईएएस के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है कि उसका इनिशियल मेजरमेंट किस चीज के ऊपर होगा, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग किस चीज के ऊपर होगी। इनिशियल मेजरमेंट मींस फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, पहली मर्तबा, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड एसेट हो या परचेज्ड एसेट। तो उसका इनिशियल मेजरमेंट का क्राइटेरिया यह है, इट इज टू बी मेजर्ड एट कॉस्ट। फिर हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज कॉस्ट। अब कॉस्ट जो है, कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ परचेज प्राइस, जिसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला तो वो डिस्काउंट इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो परचेस करने पे मिलता है, नेट वैल्यू के बारे में। जी, नेट वैल्यू। लेकिन एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, वो यहाँ से माइनस नहीं करेंगे। अच्छा। सही, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, उसके साथ अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट को इंस्टॉल करने की कॉस्ट है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसके अंदर प्लस कर देंगे। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने पे की, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें ऐड होगी। सही, कोई जगह जहाँ पर उसे इंस्टॉल करना है, उसको बनवाने के लिए कोई जब कॉस्ट लगी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, वो इसमें ऐड होगी। इसके अलावा अगर एसेट को चलाने से पहले उसकी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग की कॉस्ट भी इसके अंदर प्लस होगी। उस एसेट को रनिंग पोजीशन में लाने के लिए जितनी कॉस्ट है ना, मेरी तरफ से उसमें से कुछ, उस पूरे प्रोसेस में से कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मेजॉरिटी उसे वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जो जरूरी कॉस्ट होंगी, वो तब इस तमाम इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और इसके अंदर एक चीज और प्लस होगी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये होती है कि जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी ना, तो हमें इस एसेट को यहां से रिमूव करना होगा। तो उसकी जो रिमूवल की कॉस्ट है ना, वो रिमूवल की कॉस्ट भी आज हम एस्टिमेट करेंगे और इसकी इनिशियल मेजरमेंट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, क्या इसमें सेल्स टैक्स आएगा? तो समटाइम्स इसके अंदर सेल्स टैक्स या कोई भी टैक्स जो हमने परचेज पे किया था आ सकता है, अनलेस कि वो नॉन रिफंडेबल हो, तब तो आ सकता है। अगर वो रिफंडेबल हुआ फिर नहीं लेंगे। कौन सा टैक्स लेंगे? सेल्स टैक्स, नॉन रिफंडेबल। अच्छा, अब कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि इसका पार्ट नहीं बन सकती, वो कॉस्ट कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी ऑलवेज। उसके अंदर पहली कैटेगरी है आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट। इस एसेट को चलाने के लिए स्टाफ को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, तो स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर लग रहा है, ऑल्दो वो हमें एसेट को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन ट्रेनिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ट्रेनिंग कॉस्ट को हमें एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। क्यों एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा? हालांकि ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे सकती है, इसलिए कि ट्रेनिंग कॉस्ट एसेट की डेफिनेशन मीट नहीं करती, द एलिमेंट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी इज मिसिंग। आप स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, आप स्टाफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको कैपिटलाइज या एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर एसेट को इंस्टॉल करने के दौरान
कोई एबनॉर्मल किस्म के लॉसेस आए, डैमेज हो गया एसेट ट्रांजिट के अंदर आ रहा था, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट होंगे, एबनॉर्मल लॉसेस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह अगर एसेट को इंस्टॉल करने के बाद हमने उसको इनॉग्रेशन वगैरह के लिए उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया, तो वो स्टार्टअप कॉस्ट भी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस एसेट को चलाने के लिए हमने उसी के वेंडर से कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया और उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी, तो जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका अमाउंट भी ग्रेजुअली एक्सपेंस में जाएगा, एसेट की वैल्यू में नहीं जा सकता। और बाज दफा ये होता है कि उसको चलाते वक्त इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आते हैं, शुरू में लॉसेस होते हैं, वो भी हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो भी एक्सपेंस आउट होंगे। सो ऊपर मैंने तुम्हें क्या बताया, ऊपर मैंने तुम्हें बताया कि वो कॉस्ट जो कैपिटलाइज होंगी, और नीचे बताया कि वो कॉस्ट विच कैन नेवर बी कैपिटलाइज। एग्जाम में इसके ऊपर एक लाइकली एमसीक्यू आ सकता है जिसमें अब आपको वैरायटी ऑफ डेटा देगा और आपसे कहेगा कि ये बताएं कि कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड क्या होगी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इफ समथिंग इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एसेट या इन ऑर्डर टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट, तो हम उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, वरना हम उसे एक्सपेंस आउट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, वंस हमारी इनिशियल कॉस्ट डिसाइड हो गई तो फिर हम एक अदर एंट्री पास करेंगे, नॉन करंट एसेट या एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर हमने पेमेंट कर दी है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, वरना लायबिलिटी बुक कर लेंगे। ये इसकी इनिशियल एसेट को खरीदने की एंट्री पास होगी। अब फॉर एग्जांपल ये एसेट हमने एक्वायर किया है 1 जनवरी 2018 को, और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है दिसंबर 18, तो हमारा ये एसेट, इसकी एक यूजफुल लाइफ होगी, इसका यूजफुल लाइफ पे इसके बेनिफिट्स हमें फ्लो हो रहे होंगे हर साल, तो हमें उसकी एसोसिएटेड डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब डेप्रिसिएशन पे एक हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन प्रॉपर, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन। इस डेफिनेशन के अंदर एक पार्ट है सिस्टमेटिक एलोकेशन, दूसरा पार्ट है डेप्रिशिएबल अमाउंट, और तीसरी चीज है उसकी यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत यूजुअली पड़ती है। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? जिसको डेप्रिशिएट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट निकलता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। सही, इसको हम क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे ओवर इट्स लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ इसका एस्टीमेट होती है, एस्टिमेटेड टाइम। कुछ चीजों की लाइफ एस्टिमेट होती है, कुछ की लाइफ प्रोडक्शन की यूनिट्स पे डिपेंड कर रही होती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एसेट। ठीक है, जैसे एक जहाज एक्वायर करते हैं तो अब जहाज जो है ना उसकी लाइफ जो होती है वो उसके ऑपरेटिंग आवर्स के अंदर होती है, 20,000 ऑपरेटिंग आवर्स इसकी लाइफ है। तो अब हम जो भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो ऑपरेटिंग आवर्स की कंजम्पशन के ऊपर निकालेंगे। बल्क के लिए भी यही होता है, जी। और ये जो सिस्टमेटिक एलोकेशन है, ये सिस्टमेटिक एलोकेशन रेफर्स टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इट्स एन अकाउंटिंग एस्टीमेट। हमें प्लान करना है, एस्टीमेट हम बनाते हैं, तो लाइफ भी एस्टीमेट है, रेट भी एस्टीमेट है,
इवन जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है वो भी क्या है, वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट। और एस्टिमेट, रिमेम्बर, एस्टिमेट हर साल चेंज हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 800,000 और उसकी लाइफ है 10 साल और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 50,000। तो हमें पता है कि हम 800,000 को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम 800,000 माइनस 50,000, 7,50,000 को 10 साल पे स्प्रेड करेंगे। तो 10 साल पे जब स्प्रेड करेंगे तो हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता। सही है, इट डिपेंड्स ऑन कि एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे आ रहे हैं। अगर एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स रेगुलर आ रहे हैं तो फिर हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। तो डेप्रिसिएशन का ताल्लुक या डेप्रिसिएशन के मेथड की जो सिलेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न क्या है। अब मुख्तलिफ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कुछ इनिशियल ईयर्स में ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर ग्रेजुअली बेनिफिट्स को चेंज कर देते हैं, तो हम फिर अकॉर्डिंगली अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकते हैं। इनिशियल जी, इनिशियल असेसमेंट के बाद डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने को कहा जाए तो हम कर सकते हैं, मना नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ जो यूजुअली जो हमारे सिलेबस में आते हैं ना, वो दो मेथड आते हैं। एक आता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा आता है डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या फर्क होता है इन दोनों में? रिड्यूसिंग बैलेंस में स्टार्टिंग में ज्यादा डेप्रिसिएट होता है और एंड में कम होता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट डेप्रिसिएशन होता है और हायर इन अर्लियर ईयर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसेट एक्वायर किया जिसकी कॉस्ट थी 850,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास है 20%। तो अब हर साल 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में जब हम पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो कॉस्ट पे चार्ज होता है और नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो बुक वैल्यू पे चार्ज होता है, नेट बुक वैल्यू पर। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो हमारे लिए कितना आएगा, 1,70,000। और जब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने जाएंगे तो पहले हम कॉस्ट में से प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर परसेंटेज लगाएंगे। यानी कि हमारी जो परसेंटेज है वो कॉस्ट पे नहीं लगेगी, वो किस पे लगेगी, बुक वैल्यू पर या नेट बुक वैल्यू पर लगेगी। ठीक है, कितना आता है सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, 850 माइनस 170 इंटू टू 136। सही, नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी हो बैलेंस शीट के अंदर हमें, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जिस पीरियड की नेट बुक वैल्यू चाहिए तो उस पीरियड तक हम उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, हर साल का डेप्रिसिएशन हमें प्लस करना होगा। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट है 1,250,000। सही है, और रेट है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस और मेथड है रिड्यूसिंग। ऐसे ऊपर बता दिया मैंने, रेट 20% और मेथड है रिड्यूसिंग। सही है, कैलकुलेट नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3।
तो हमें हर साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो हम पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर दूसरे साल का निकालेंगे, फिर तीसरे साल का निकालेंगे, तब जाकर हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। इसका एक शॉर्टकट है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। नहीं, फॉर्मूला हमें एग्जाम में नहीं लगाना, वो फॉर्मूला जो है ना वो रेट निकालने के लिए लगाते हैं। अच्छा, रेट हमें एग्जाम में गिवन मिलेगा, ठीक है। तो हमें अगर मुझे डायरेक्ट इसकी तीसरे साल के एंड पर बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं देखो मैं कैसे निकालता हूँ, 0.8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.8 से मल्टीप्लाई किया। 0.8 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 20% डिडक्ट होने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो कितनी होती है, 0.8, सही है। अब कितने साल के बाद चाहिए, 3 साल के बाद, तो मैंने 3 साल की वैल्यू निकाल दी, तो मेरे पास आंसर आया 6,40,000। ये मेरे पास थर्ड ईयर के एंड की बुक वैल्यू है। अब मुझे ये नहीं पता लग सकता कि पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना, लेकिन मुझे ये पता लग सकता है कि नेट बुक वैल्यू, सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 साल का कितना है। वो मैं कैसे निकाल लूंगा, वो मैं कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं यहां से निकाल लूंगा। तो मेरी कॉस्ट थी 1,250 और अब तक मैं 640,000 का डेप्रिशिएट कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है बीच में मैंने 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 3 साल के अंदर मैंने 610,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये नहीं बता सकते कि पहले साल का कितना था, दूसरे का कितना था, डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, सही। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन तुम्हें पता होगा, स्ट्रेट लाइन पे जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में दो दो चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रेट लाइन में एक तो फार्मूला अप्रोच है, अगर डेटा दिया हुआ है तो, और दूसरा परसेंटेज अप्रोच। पर रिड्यूसिंग में और स्ट्रेट लाइन की परसेंटेज में क्या फर्क होता है, स्ट्रेट लाइन की परसेंटेज हमेशा किस पे लगती है, कॉस्ट पे लग रही होती है, उसमें बुक वैल्यू पे भी लग रही होती है, कॉस्ट पे भी लगती है। फॉर्मूला आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है, फॉर्मूला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, इससे हमें पता लग जाएगा पर एनम डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली कितना है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हमने अभी तक आईएएस के दो रूल्स डिस्कस किए ना। पहला रूल हमने डिस्कस किया ये वाला कि रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, और दूसरा रूल हमने डिस्कस किया इनिशियल मेजरमेंट किसके ऊपर होती है, हमने आइडेंटिफाई किया इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पर होती है, और तीसरा हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन वगैरह का रूल क्या होता है। अब एक फर्दर आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो एक पहली मर्तबा रिकॉर्ड करने के बाद हर साल बैलेंस शीट डेट के ऊपर एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। देखो पेपर में ना आईएएस से रिलेटेड सिर्फ कैलकुलेशन के सवाल नहीं आएंगे कि आपसे पूछेगा नेट बुक वैल्यू बता दें कितनी है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट बता दें, वो थ्योरी भी पूछ सकता है कि जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का रूल क्या है, चार ऑप्शंस दे दिए एक ऑप्शन ठीक है, या आईएएस 16 में करेक्ट ऑप्शन बता दें, चार ऑप्शंस दे दिए, कंप्लीट आईएएस से चीजें निकाल निकाल के पूछ ली। तो इसलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, सही है। आईएएस खत्म होगा तो मैं तुम्हें एक थ्योरी का हैंड आउट दूंगा पढ़ने के लिए आईएएस, वहां से आप अपनी थ्योरी रिटेन करोगे, सही है, और मेरे साथ साथ अपनी कैलकुलेशन करो। तरीका ये हुआ वे फॉरवर्ड कि आप यहाँ टॉपिक खत्म करो, फिर रिवीजन किट से उसके सवाल, सही है। ये परचेज कहाँ से करनी है, बुक और ये रिवीजन क्वेश्चन बैंक वगैरह? इसका दो तरीके हैं, या तो आप हार्ड कॉपी परचेज कर लो, या दूसरा तरीका ये कि आप सॉफ्ट कॉपी मुझसे ले लो और सॉफ्ट कॉपी इस्तेमाल कर लो।
सॉफ्ट कॉपी सही है, मैं प्रिंट आउट कर लूंगा ये कर ले। पहले आप सॉफ्ट कॉपी देख लेना, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आज भेज दूंगा, आप सॉफ्ट कॉपी देख लेना, कोई मसला तो नहीं है सॉफ्ट कॉपी के अंदर, फिर आप उसको यूज करें। सही, चलें आगे बढ़े। अच्छा आप मुझे जीमेल आईडी अपना दोगे तो आपको ये लेक्चर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये लेक्चर आपके जीमेल आईडी पे मिल जाएगा, तो आप उसको फिर बाद में सब्सिक्वेंटली देख भी सकते हो इसी फॉर्मेट के अंदर वीडियो लेक्चर्स। ठीक है। अच्छा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी कि ईयर एंड के ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ईयर एंड के ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आइदर यू कैन यूज कॉस्ट मॉडल और यू कैन यूज रीवैल्यूएशन मॉडल। अब ये क्या है, इट्स एन अकाउंटिंग चॉइस कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अपने एसेट्स को कॉस्ट पे रखे और अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अपने एसेट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते, कौन सा बेहतर है? कॉस्ट ज्यादा फीजिबल रहता है ना मेरे ख्याल से, रीवैल्यूएशन में फिर अगर लॉस आता है मार्केट डाउन हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस में फिर लॉस डिक्लेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, कॉस्ट मॉडल भी बेनिफिशियल है। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, अप टू डेट वैल्यू होती है, यानी कि मेरे एसेट की मुझे करंट वैल्यू पता होती है। कॉस्ट मॉडल में वैल्यू आउटडेटेड होती है जी। लेकिन वैल्यू में कोई डाउट नहीं होता, मैं एस्टिमेट नहीं करता बल्कि एक्चुअल वैल्यू पर रिकॉर्ड करता, तो ये क्या होती है, ये एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, तो ज्यादा अच्छी होती हैं। और ये जो है इसमें फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू डाउटफुल हो सकती है समटाइम्स, बिल्कुल भी डाउटफुल होगी तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन बेहतर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स को रीवैल्यू करेगी तो शेयर होल्डर्स को या अदर स्टेक होल्डर्स को ये पता होगा कि इस वक्त कंपनी के एसेट्स की ट्रू वर्थ कितनी। लेकिन चॉइस है, ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हाँ, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट मॉडल यूज करना है तो कॉस्ट मॉडल की डेफिनेशन क्या होगी, कॉस्ट मॉडल की डेफिनेशन ये होगी कि हम हर साल बैलेंस शीट डेट पर अपने एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस, इसका जो नेट आंसर आएगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो डेप्रिसिएशन से निकल आएगा, हर साल का डेप्रिसिएशन, ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये इम्पेयरमेंट लॉस हम IAS 36 थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे। सही है। सो कॉस्ट मॉडल के लिए हमें सिर्फ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ वगैरह अगर पता हो तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं तो रीवैल्यूएशन मॉडल में हमें करंट मार्केट वैल्यू पर एसेट को ट्रांसफर करना पड़ता है, ये इसका ट्रिकी पार्ट है रीवैल्यूएशन मॉडल। ये इंपेयरमेंट लॉस होता क्या है? मैंने कहा ना अभी IAS 36 तक पहले वेट करेंगे फिर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन डिस्कस कर लें, क्योंकि रीवैल्यूएशन में और इम्पेयरमेंट में टेक्निकल सा थोड़ा सा फर्क है, तो पहले रीवैल्यूएशन समझा देता हूँ उसके बाद फिर इम्पेयरमेंट पे आएंगे। सही है। रीवैल्यूएशन एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसका एक आउटकम ये होता है कि एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, रीवैल्यूएशन गेन आ जाती है या सरप्लस आ जाता, और दूसरा आउटकम ये होता है कि रीवैल्यूएशन डेफिसिट आ जाता है। सही। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि अगर कोई गेन आया, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसको हमने रीवैल्यू किया और उसकी वैल्यू बढ़ गई तो गेन है, और गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, लेकिन हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक अदर स्टेटमेंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद विच इज कॉल्ड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, शॉर्ट फॉर्म OCI,
हम इसको वहां लेके जाएंगे और फिर ये ओसीआई में जाने के बाद वाया कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी साइड के ऊपर रिजर्व्स में चला जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अभी ये गेन जो है वो रियलाइज नहीं है। अभी ये कौन सा गेन है? अभी ये अनरियलाइज्ड गेन है और ऑल अनरियलाइज्ड गेन इज टू बी ट्रांसफर्ड इन ओसीआई नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस। सही, जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन डेफिसिट आ जाता है तो डेफिसिट को हम उठाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि गेन आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जा रहा, लेकिन अगर लॉस आता है और अनरियलाइज्ड लॉस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पहली फुर्सत में बुक कर लें। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर चलते हैं कि रिवैल्यूएशन में क्या होता है टेक्निकली। फॉर एग्जांपल पहले हम बात कर लेते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, जो डेप्रिशिएट नहीं होते उनकी हम रिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लैंड परचेज की थी और उस लैंड की वैल्यू थी 8,10,000। ये हमने 1 जनवरी 2014 को परचेज की। मार्केट वैल्यू लैंड की 8,50,000 हो गई 31 दिसंबर 2014। क्या करना चाहिए? बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए? अगर हमने ऑप्ट किया कॉस्ट मॉडल तो किस पे कैरी करेंगे? 810 पे। और अगर हमने ऑप्ट किया रिवैल्यूएशन मॉडल तो फिर हमें इसे 810 पे तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो माइनस हो नहीं रहा, तो फिर हम इसको रिवैल्यू कर देंगे। रिवैल्यू करने का मतलब 810 से उठाकर 850 पे ले आएंगे। तो एज ए रिजल्ट वैल्यू कितनी बड़ी? 40,000 का रिवैल्यूएशन गेन हो गया। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? अपनी लैंड को डेबिट कर देंगे 40,000 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। सही है? ये 2014 के अंदर हमारा एसेट 40,000 की गेन पे रिकॉर्ड हो गया। ये एसेट होते कौन से? नॉन डेप्रिसिएबल लैंड, फ्री होल्ड लैंड मेरे ख्याल से एक आती है। हाँ, और कौन सी लैंड होती है फ्री होल्ड के बाद? लीज होल्ड। हाँ, जो लीज्ड पे एसेट्स लेते हैं तो क्या वो डेप्रिशिएट होंगे? लीज पे लैंड लेंगे तो डेप्रिशिएट होगी। वो डिपेंड करता है, तो बहुत आगे फिर वो ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि वो लीज ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है। क्योंकि नॉर्मली लैंड जो होती है वो ऑपरेटिंग लीज होती है और उसको डेप्रिशिएट नहीं करती, तो लैंड यूजुअली डेप्रिशिएट नहीं होती। हाँ, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लैंड इस्तेमाल की, माइनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल की, एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल की, तो वो डेप्रिशिएट हो जाती। अच्छा, 2015 में हमने उसको दोबारा रिवैल्यू किया तो मार्केट वैल्यू जो कि 850 पे आ गई थी वो मार्केट वैल्यू ड्रॉप होके 830 पर आ गई। तो हमने एसेट को किस पर बुक किया हुआ था? उसका ओपनिंग बैलेंस था 850 और 2015 में अब उसका सीडी बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 830। कितना डेफिसिट हुआ? हाँ, रिकॉर्ड करें डेफिसिट, लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए कि इस एसेट के ऊपर ऑलरेडी सरप्लस क्रिएट हुआ हुआ। कितना? 40,000। तो ये 40,000 से पहले ऑफसेट होगा। तो हम कहेंगे जी ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस हमारे पास कितना है? ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस हमारे पास 40,000। डेफिसिट अगर इसको क्रॉस कर लेता ना तो फिर डेफिसिट पीएनएल में जाता। अभी डेफिसिट इससे कम है तो रिमेनिंग सरप्लस जो हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा वो कितना है?
20,000 की क्या एंट्री पास करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को हमने डेबिट किया 20,000 से और हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। सही, मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। 2016 में इसकी मार्केट प्राइस 805,000। हम दोबारा चेक करेंगे, हमने ब्रॉड डाउन किस पे रखा हुआ था और कैरिड डाउन किस पे चला गया, कितना डिफरेंस आया का डेफिसिट आ गया। अब हमारे पास सरप्लस कितना है, 20,000 और डेफिसिट ज्यादा हो गया। अब एंट्री क्या पास होगी, पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस को ऑफसेट करेंगे, सही, 5,000 को ऑफसेट और एसेट को क्रेडिट कर दिया 25,000 से और 5,000 चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारा वो रूल भी फॉलो हो गया कि डेफिसिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है जब वो प्योर डेफिसिट हो। सही है। अब अगले साल क्या हुआ, 2017 में दोबारा मार्केट प्राइस कैलकुलेट की और मार्केट प्राइस जो है वो 8,25,000 हो गया। हमने किस पे कैरी किया हुआ था, कहाँ जाना चाहिए रूल के हिसाब से, कहाँ जाना पहले चाहिए? तो 5,000 को रूल के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 रखा हुआ है तो पहले उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस 30 नहीं है, सही, तो ये रोटेशन होती रहती है, गेन आया लॉस आया सरप्लस आया ऑफसेटिंग करते रहेंगे। सही है। ये अच्छा एंड ऑफ ईयर पे ही होगा, ये मिडल में नहीं हो सकता। ये अभी मैंने क्या कहा है, रिवैल्यूएशन कब हो सकता है नहीं बताया ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस वैसे ईयर एंड पर ही होता है, यू आर राइट, लेकिन सवाल में एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर भी करवाता है वो। सही है, तो ये कंपैरिजन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। इसमें ये दो सिचुएशन बड़ी आसान है ना, एंड वाली और स्टार्ट वाली, क्योंकि इसके अंदर स्टार्ट में तो सबसे आसान है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता होता है उसकी बुक वैल्यू कितनी है। एंड में पहले हम उसकी बुक वैल्यू बनाते हैं और फिर उसको उसकी मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं। मिड इसलिए थोड़ा सा खतरनाक है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 30 जून को रिवैल्यूएशन हो रहा है तो 30 जून से पहले डेप्रिसिएशन किसी और तरीके से चार्ज हो रहा होगा और 30 जून के बाद डेप्रिसिएशन किसी और तरीके से चार्ज हो रहा होगा, इसलिए ये थोड़ा सा टेंशन वाला हो जाता है। सही है, चलें इसको आज यहीं तक रखते हैं।